गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का 5:30 हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपनी छत पे, क्योंकि मेरी छत की हालत देखिए क्या हो रही है। कल मैंने अपने गमलों में पेंट किया था और उसी की वजह से छत बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि इसमें गमलों में से पुराना पेंट सब निकालना पड़ता है। और तो आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे गमले ज़्यादातर अभी खाली पड़े हैं, क्योंकि बारिश के बाद एक तो प्लांट सारे ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादातर प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरी बात गमलों की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है, उनका सारा पेंट निकलने लगता है। तो उन्हें खुरच के निकाल के दोबारा से उसमें पेंट कर लिया है, और आज मुझे छत की पूरी सफाई भी करनी है, साथ में जो भी पुराने मिट्टी है उसको चेंज करके मैं इसमें नई मिट्टी फिल करूँगी, कुछ नए फ्लावर पॉट बनाऊँगी और साथ में कुछ नया डेकोरेशन करूँगी। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। ये मैं लग गई सफाई पे। अब धूप आ चुकी है और मैंने नाश्ता बना के सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं, तो मैं फिर से अपने काम पे आ गई हूँ। ये मैंने कुछ प्लास्टिक के कंटेनर लिए हैं जिसमें स्वीट्स वगैरह आती हैं, और नीचे से इसमें मैंने होल कर लिया है। इसमें मैं चाह रही हूँ कि कुछ विंटर फ्लावर्स लगाऊँ जिनकी लाइफ कम होती है और जिनकी रूट ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, तो मैंने इसमें मिट्टी भर के तैयार कर लिए हैं। और जो विंटर सीज़न के फ्लावर होते हैं ना, वो काफ़ी सुंदर होते हैं और कम टाइम के लिए चलते हैं, तो उनकी रूट ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, तो आप उन्हें छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कुछ अपने जो पुराने फ्लावर पॉट हैं उन्हें भी तैयार करूँगी, क्योंकि उनके प्लांट तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनकी सॉइल को मैं फिर से नया बना रही हूँ। कुछ उसमें कोकोपीट और कुछ गोबर की खाद मिला करके, गोबर की खाद मैंने डिकम्पोज हुई अच्छे से ये छत पर ही रख रखी इस बाल्टी में, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर से अपने प्लांट तैयार करूँगी, सॉरी फ्लावर पॉट तैयार करूँगी, जिसमें मैं नए नए प्लांट लगाने वाली हूँ विंटर सीजन के। तो ये मैंने अपने सारे कंटेनर में मैं भर रही हूँ। जो इनकी पुरानी सॉइल थी उसी को मैंने यूज़ किया है, बस उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद और थोड़ा सा कोकोपीट मिला दिया था, क्योंकि जो हमें मॉनसून सीज़न में होता है उस समय हमें कोकोपीट नहीं चाहिए होता है, लेकिन इस टाइम के जो फ्लावर होते हैं उनमें थोड़ा सा कोकोपीट मिला दें तो अच्छी नमी बनी रहती है। अब मैं इसे सब प्लांटर्स को अच्छी जगह पर अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी, और उसके बाद ये मेरा काम हुआ फिनिश। फिर से मैं इसकी अपना जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी सफाई कर लूँगी। सफाई का काम हुआ फिनिश। आप ये मेरे पास छोटे छोटे प्लांटर बचे हैं उसमें मैं पेंट कर रही हूँ। ये ब्लू पेंट आपने मेरी बहुत सी वीडियो में देखा होगा, एक्चुअली मेरी लॉबी का पेंट है जो काफ़ी बच गया था और जो मुझे बहुत पसंद है, और इसे अभी ख़त्म करना है क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, और तो मैं चाह रही हूँ कि इसको ऐसे ही वेस्ट ना जाने दूँ, तो मैं इसे इस तरह से छोटे वाले प्लांटर्स में अपने लगा लूँगी। ये भी मेरे ये नर्सरी से जब हम पौधे परचेज करके लाते हैं तो उस समय कि ये उनके साथ ये पॉट मिलते हैं, तो मैंने फेंकती नहीं हूँ, इसी में छोटे छोटे प्लांट लगा देती हूँ। देखिए इसमें मैंने कुछ विंका डाल रखे हैं, कितने अच्छा फ्लावरिंग हो रही है उसमें, और जो भी मैं कहीं से ब्रांचेस तोड़ के लाती हूँ लगाने के लिए या किसी से मांग के लाती हूँ तो उन्हें भी मैं इसमें लगा देती हूँ, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मैं उन्हें शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये मैं अभी सारे के सारे को पेंट कर दूँगी। ये ब्लैक कलर के होते हैं तो मैंने इन्हें ब्लू बना दिया, देखिए।
और आज मैं इस पेंट को पूरा फिनिश करके ही रहूंगी। सारे पॉट्स कर लिए हैं मैंने, पेंट बहुत सारे हैं मेरे पास है, और ये पेंट भी हो गया है मेरा पूरा ख़त्म। तो आज मैंने इसे पूरा ख़त्म कर ही लिया। और ये मैं कुछ DIY बना रही हूँ अपने टायर से। और ये मेरा जो है वो वॉशिंग मशीन का स्टैंड है जो कि ख़राब हो गया था, वॉशिंग मशीन पानी लग के नीचे से। और साथ में ये मेरा एक कंपोस्ट का मैंने एक घड़ा खरीद रखा है जिसमें मैं सूखी पत्तियाँ वगैरह सब डाल देती हूँ, इसे भी मैंने पेंट कर लिया। और अब देखिए मैं ये कैमरा मैं बहुत हिला रही हूँ। अब मैं जो ये टायर है इससे मैं एक कुछ वेल बनाने की सोच रही हूँ, कुआं बनाने की सोच रही हूँ। तो मैं इसमें स्प्रे पेंट कर रही हूँ, ये स्प्रे पेंट की नॉब ख़राब हो रही है तो मैंने इसे, इसकी नोज़ल पूरी ख़राब थी तो इसको चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें स्प्रे कर लूँगी। और बाकी जो भी इसमें बाकी लाइनें वगैरह बनानी है वो मुझे वाइट पेंट से बनानी पड़ेंगी, वो वाइट पेंट से बनाऊंगी। पर इस पे मैं स्प्रे पेंट कर लेती हूँ क्योंकि ब्रश से पेंट करने पे वो एक्चुअली टिक नहीं रहा था। एक दो बार मैंने उससे ब्रश से भी ट्राई किया था बट वो उतना अच्छे से इफ़ेक्टिव नहीं था, तो स्प्रे पेंट से अच्छे से हो जा रहा है। टायर हो गए हैं पेंट। अब मैं अपना ये जो वॉशिंग मशीन का स्टैंड है इसे भी पेंट कर लूँगी। मेरे पास ब्लैक पेंट पड़ा है तो मैं इसे पेंट कर लूँगी क्योंकि इसमें पानी लग गया था जिसकी वजह से इसमें जंग लग रही है, तो मैं इसे पेंट कर लूँगी। ये है बहुत अच्छा स्टैंड क्योंकि इसका जो साइज़ है, लेंथ ब्रेथ है, वो हम स्क्रू से अप एंड डाउन कर सकते हैं, मतलब बड़ा घटा सकते हैं, आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं बड़ा घटा के। तो अभी बाथरूम में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आई मीन वॉशिंग मशीन के नीचे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं इसे एज ए प्लांटर का स्टैंड यूज़ करने वाली हूँ, तो इसे मैं पेंट कर लेती हूँ ताकि इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। दिन में धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। सुबह जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने स्वेटर पहना था लेकिन अभी मैंने स्वेटर भी उतार दिया, फिर भी धूप काफ़ी तेज़ है। तो मैं कहीं अपना बंदोबस्त करती हूँ छुप के पेंट करने का क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। तो मैं यहाँ कॉर्नर पे आ गई हूँ और मैं यहीं पे आप सब पेंट करूँगी छाया में बैठ करके। तो जितना बचा हुआ पार्ट है वो मैंने कर लिया और साथ ही मैंने अपनी छत भी धो ली है और छत काफ़ी देखिए चमक गई है। अब थोड़ा टाइम शाम का टाइम हो गया है और मेरा काम भी फिनिश हो गया है। तो ये देखिए मैंने सारे प्लांटर हैंग कर लिए हैं जो भी हैंग करने थे, और साथ में नीचे ग्रीन नेट बिछा दी है अपनी। और ये मेरे सारे फ्लावर पॉट देखिए ये रख दिए मैंने, और इसके साथ ही जो साइड में टेबल रखा हुआ था उस पर भी एक ग्रीन नेट बिछा दी है। और अभी कुछ प्लांटर खाली हैं जिन्हें मैं बाद में डेकोरेट करूँगी। और ये दूसरी मॉर्निंग का व्यू है, और जो भी मैंने काम किया था उसे देखने के लिए सुबह सुबह मैं छत पे पहुंच गई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए सनराइज़ हो रहा है। और ये मेरा वेल बनाया हुआ है जो मैंने कल वेल तैयार किया था वो बन गया है। और ये रहा डोरा, ये थर्माकोल का डब्बा और इसके अंदर डोरा सो रहा है। ये देखिए ये भी उठ गया है लेकिन आलसी अंदर ही बैठा है। ये थर्माकोल को इस तरह से काट करके हमने इसका घर बनाया, और थर्माकोल में ठंड नहीं लगती है, बाद में जब ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी तो हम इसे कपड़े से कवर कर देंगे। और देखिए मेरी पूरी छत कैसे साफ़ हो गई है। और यहाँ पे रखा है चिड़िया का दाना और ऊपर बैठी हैं दो चिड़िया जो मेरी वजह से नीचे नहीं आ रही हैं, वहीं फुदक रही हैं, जैसे ही मैं हटूँगी वैसे ही आएंगी वो। तो अभी तो फ़िलहाल उड़ गई।
और ये देखिए मेरी छत, ये मेरे कल के प्लांटर जो मैंने ब्लू पेंट किया था, इसमें जो विंका लगी हुई है वो पहले से लगी थी। और ये कुछ प्लास्टिक के प्लांटर, ये पिछले साल के हैं, ये अभी नहीं बनाए हैं। और ये मेरे ब्लू वाले प्लांटर जो मैंने कल पेंट किए थे, और इसमें जो विंका है वो पहले की है, और अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। विंका की भी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं अगर नया प्लांट हो तो। हाँ, पुराना हो तो ऑब्वियसली वो उसकी रूट डीप जाएंगी, बट ये सीड से उगे थे और मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहे हैं ये। तो ये देखिए, और ये मेरा इन्वर्टर का एक बॉक्स बचा हुआ था, और कल जो ये प्लांटर एक मैंने पानी मिट्टी फिल की थी उस पर मैंने ये इम्पेशन के प्लांट डाल दिए। ये पुराना प्लांट है एक, और ये अभी खाली पड़ा है, इसमें भी ब्लू पेंट कर दिया मैंने।